हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र मतलब जो पानी के साथ हमारे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने साउदर्न इंडिया बनाया है, एक रफ सा मैप बनाया है, एग्जैक्ट तो नहीं है। सो यहाँ पे हमारा अरेबियन सी आता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अरब की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी आता है, मतलब ये वाटर बॉडीज़ हैं। तो इसके साथ में जो क्षेत्र लगता है, सारा एरिया जो बाउंड्री लगती है, उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समझा कि फिजियोग्राफी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स किए गए हैं इंडिया के, तो वो कौन कौन से हैं। हिमालयाज हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज हैं, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया है। तो जो फर्स्ट थ्री हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ वन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, द कोस्टल प्लेन्स, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी में फोर्थ पॉइंट द कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज पढ़ेंगे, राइट। सो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक रफ सा मैप बनाया है साउदर्न इंडिया का, जहाँ पे सारे कोस्ट आते हैं। जैसे कि हमारा कोंकण कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, उत्तरी सरकार है, नॉर्दर्न सरकार है। अब किसे कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, किसे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। बट इसके लिए आपको शुरू से डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम थ्रू डायग्राम इसे समझेंगे, राइट। नाउ वी आर बैक टू द कोस्टल प्लेन्स वाला पार्ट, मतलब अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंडियन कोस्ट लाइन कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। इसका मतलब क्या है? हम पढ़ रहे हैं कोस्ट लाइन, मतलब जो तटीय सीमाएं हैं, ये सारी बाउंड्री, प्लस यहाँ पे हमारे पास अंडेमान एंड निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, उन सब की बाउंड्री मिला के हमारे पास जो किलोमीटर्स बनते हैं वो होते हैं 7516.6 किलोमीटर्स। नाउ 6100 किलोमीटर विदाउट आइलैंड्स। अगर हम आइलैंड्स की बाउंड्रीज को काउंट ना करें और सिर्फ जो हमारी मेन लैंड है, इस जो मेन ज़मीन है ना, इसको बोलते हैं मेन लैंड। आइलैंड्स के साथ फिर हमारी पूरी कंट्री बन जाती है। तो अगर हम सिर्फ मेन लैंड वाला जो ये कोस्टल एरिया है, ये वाली सीमाएं हैं, सिर्फ इसको लें, लक्षद्वीप और अंडेमान्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको ना लें, तो हमारा बचता है 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर भी हम कह देते हैं, ठीक है। सो इंडियन कोस्ट लाइन टचेज 13 स्टेट्स प्लस यूटीज, 13 स्टेट्स और यूटीज को ये टच करता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो जस्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है, इंडिया इज़ अ कंट्री सराउंडेड बाई द सी ऑन थ्री ऑफ इट साइड्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो समुद्र से घिरी हुई है, इसकी तीन साइड्स पे, समुद्र कह लीजिए, बंगाल की खाड़ी कह लीजिए, अरब सागर कह लीजिए, जो भी आपको लगता है ना। क्योंकि देखिए इसके नीचे इंडियन ओशन आता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो इस तरह से इसके सारे साइड आप कह सकते हैं वाटर बॉडीज है, तीन साइड, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो तीन साइड से, वाटर बॉडीज से या तीन सीज से घिरा हुआ है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे हम जो कोस्टल प्लेन्स हैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। किसके हिसाब से? लोकेशन के हिसाब से। तो मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार हल्का सा बता देती हूँ। आप ऐसे प्लस का साइन लगाते हैं, सीधे हाथ की तरफ आपकी पूर्व दिशा आती है यानी ईस्ट, और उल्टे हाथ की तरफ आपकी पश्चिम दिशा आती है यानी कि वेस्ट। तो जो ईस्ट वाला कोस्टल प्लेन है इसे कह दिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ये वेस्ट वाला है इसे कह दिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखिए यहाँ पे मैंने ई लिखा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए, और डब्ल्यू लिखा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र आप कह सकते हैं। सो अब आपको समझ आ गया हमारे कोस्टल प्लेन्स कितने तरह के हैं, तो बेसिक होगा, आपको पहले से ही पता होगा। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या है? वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं इनके बारे में थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब इस साइड सीधे हाथ वाला, तो ये इस तरह से हमारा मैप बनता है इंडिया का, राइट। तो इसके नॉर्थ में क्या आता है? वेस्ट बंगाल, और साउथ में क्या आता है? तमिलनाडु। तो वेस्ट बंगाल नॉर्थ से लेकर तमिलनाडु साउथ तक ये चलता है, बीच में आ गए हमारे उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टाज इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टाज क्या होते हैं हम नेक्स्ट, जब भी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तब पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो ये डेल्टाज होते हैं वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं खेती बाड़ी के लिए,
ठीक है। द डेल्टा ऑफ रिवर कृष्णा इज कॉल्ड ग्रीनरी ऑफ साउदर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि ग्रीनरी ऑफ साउदर्न इंडिया किसे कहते हैं किसी छोटे एग्जाम में, तो रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसको। सो हमने यहाँ पे बात की, डेल्टा आपके लिए न्यू वर्ड होगा, तो चलिए पहले डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ना है डेल्टास के बारे में, बट आगे पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन अपना साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एक बार आपके नोट्स तैयार हो गए उसके बाद कोई भी एग्जाम हो आपको टेंशन नहीं है कहाँ से पढ़ना है, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, उस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, उस वेबसाइट से पढ़ना है, ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, बस अपने नोट्स उठाए और पढ़ लिया। सो डेल्टास के बारे में हम पढ़ रहे थे, फटाफट इसके भी नोट्स बनाइए। वेटलैंड्स दैट फॉर्म एज रिवर्स एम्प्टी देयर वाटर एंड सेडिमेंट इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशन लेक एक्सेट्रा। फाइन, आपको समझ नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। कोई भी एक नदी है या वाटर बॉडी है, लेक है, नदी है, जो भी है, जब वो किसी बड़े ओशन में मिलती है तो वो कैसे मिलती है, वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और फिर वो जो पानी है वो आगे जाके उस बड़े समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे 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 इसके आसपास का जो एरिया है उसे हम कहते हैं, ये सारा जो बन गया ये बन गया डेल्टा, और जो इसके आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि उनको बिल्कुल पानी मिलता है सिंचाई के लिए, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो डेल्टा वाला एरिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। नाउ नेक्स्ट आता है, इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। जो हमारे ईस्टर्न घाट होते हैं, हम किसके बात कर रहे हैं, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। जो गंगा डेल्टा है, गंगा नदी कहाँ बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पे गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, ठीक है, जैसे मैंने हमने यहाँ पे पढ़ा डेल्टा। सो गंगा नदी के डेल्टा के नीचे की तरफ और कन्याकुमारी से ऊपर की तरफ सारा का सारा क्या आता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है, राइट। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, अब इसके इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, चिल्का लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, तो इस तरह से आ जाता है कि चिल्का लेक, पुलिकट लेक, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के में लाई करते हैं या वेस्टर्न में, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये, तो फिर ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं। जब हम लेक्स पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी लेक कौन से स्टेट में आती है, फिर उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रीजनल नेम्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, को हम किसी और नाम से भी बुलाते हैं, तो कौन है वो नाम, देखिए उड़ीसा में इसे कहते हैं उत्काल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ही बात हो रही है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ही बात कर रहे हैं, बट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हिमाचल में या उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, वहाँ तो है ही नहीं, जहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जैसे उड़ीसा में इसे कहते हैं उत्काल कोस्ट, फ्रॉम द साउदर्न लिमिट ऑफ उत्काल कोस्ट। अब जैसे उत्काल कोस्ट खत्म हो गया, फिर इसको नाम जाना जाता है आंध्रा कोस्ट के नाम से। तमिलनाडु में इसे बोल देंगे तमिलनाडु कोस्ट। अब जो तमिलनाडु कोस्ट है प्लस आंध्र प्रदेश को जो कोस्ट है उसके कुछ पार्ट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं कोरोमंडल कोस्ट या पयानघाट कोस्ट। आप देखिए हमने पढ़ा उत्काल, बाकी दो नाम से हैं, और कोरोमंडल कोस्ट और पयानघाट, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। लास्ट में मैं आपको जो मैप है उसके थ्रू समझाऊंगी, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने तो नहीं जा सकते। सो हम सब डिविजन्स करेंगे। अब इन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे, तो मेनली हम इनको दो जो इसके डिवीजन रहते हैं दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार बोल लीजिए, कई जगह उत्तरी सरकार लिखा होता है, एक साइड है कोरोमंडल कोस्ट या पयानघाट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया है, फिर बाकी हम आगे करेंगे इसको, बट यहाँ पे देख लीजिए नॉर्दर्न सरकार कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, क्वेश्चन ये आता है आपका, नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। महानदी और कृष्णा के बीच में जो पार्ट आ गया उसे बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार। एडिशनली कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ ओडिशा इसको बोलते हैं उत्काल प्लेन्स। ये तो हमने पढ़ लिया कि उड़ीसा में जो कोस्टल एरिया आता है उसको हम उत्काल प्लेन्स बोलते हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छे से रखना ही है याद में। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था उड़ीसा के कोस्ट को उत्काल कोस्ट बोलते हैं। उसके अलावा जो महानदी और कृष्णा के बीच में एरिया कोस्टल प्लेन आएगा उसको बोल दिया उत्तरी सरकार। जो कृष्णा और कावेरी के बीच में आएगा उसको बोल दिया कोरोमंडल कोस्ट। अब चलिए थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। कोरोमंडल कोस्ट को ही पयान घाट बोलते हैं, राइट। अब ये क्या होता है, द साउदर्न पार्ट बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा और कावेरी के बीच का जो पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट हो गया, महानदी और कृष्णा के बीच का पार्ट है वो नॉर्दर्न सरकार हो गया, और जो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनरी ऑफ द साउदर्न इंडिया। तो हमने अभी पीछे वाले पेज पे पढ़ा, तो जो ग्रीनरी है साउदर्न इंडिया की हरियाली है उसको रख दिया बीच में, ऊपर महानदी नीचे कावेरी, बस बन गया आपका उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार या फिर कोरोमंडल कोस्ट और बयानघाट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब आता है कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इन्हें कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू एन अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड और ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल। मतलब या इमर्जेंस क्या होता है? किसी नई चीज़ का इमर्ज होना। तो अब होगा क्या? देखिए यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे वाटर है, अब कुछ इमर्जेंस कैसी होगी? या लैंड का लेवल बढ़ जाएगा या फिर वाटर का लेवल कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इमर्ज हो जाता है एक बीच में एक पार्ट, इसलिए से कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जेंट नेचर। मतलब या तो ज़मीन ऊपर होती रहेगी या सी लेवल नीचे होता रहेगा। इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते हैं, हार्बर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न मतलब डायरेक्शंस का हमने पढ़ा था, प्लस बनाते हैं, जो उल्टे हाथ की तरफ आता है उसे हम कहते हैं पश्चिमी दिशा या वेस्टर्न डायरेक्शन। सो इस साइड को जो भी हमारे कोस्टल प्लेन्स आते हैं वो कहलाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखिए नोटबुक एंड पेन अपने साथ में रखिए, अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए, काफ़ी अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। तीन चार जगह से मैंने ये डेटा कलेक्ट करके नोट्स बनाए हैं। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं? स्ट्रेचेज फ्रॉम गल्फ ऑफ खाम्बट गुजरात इन द नॉर्थ टू केप कोमोरिन केरला इन द साउथ। गुजरात से चलेंगे और केरला तक। गुजरात में कहाँ से? गल्फ ऑफ खाम्बट गुजरात से चलेंगे केप कोमोरिन केरला तक। पासिंग थ्रू कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र इन स्टेट से भी पास होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट? स्ट्रेचेस फॉर 1500 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ से साउथ तक जो डायरेक्शन हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ तक है, इसके बीच में इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो वो है 1500 किलोमीटर के आसपास। विड्थ की बात करें तो विड्थ रहती है 10 से 25 किलोमीटर, मतलब कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर होगी, कहीं 20 होगी, कहीं 9, 10, अप्रॉक्सीमेटली इतनी रहती है। एग्जैक्ट नहीं आपको हम कभी भी पढ़ सकते, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, नाउ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एट इट्स वाइडेस्ट ऑफ द बॉम्बे कोस्ट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? देखिए हम ओशनिक फ्लोर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट हम उस चीज़ में यहाँ नहीं जाएंगे, तो इस वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशनिक फ्लोर का एक पार्ट होता है, मतलब जो ओशन होता है ना, ओशन की जो सतह होती है उससे नीचे की तरफ चलती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा मिलेगा आपको बॉम्बे कोस्ट में, मतलब बॉम्बे का जो तट है उसके आसपास के एरियाज में। ठीक है, इट फॉर्म्स एस्टुअरीज। यहाँ पे जो भी नदियाँ बहती हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न एरियाज में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं जो अरब की खाड़ी में जाती हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी नमस्ते की, NMSTE, ई को साइलेंट रखना है, बाकी चार से नदियाँ बनती हैं। एन से नर्मदा, एम से माही, एस से साबरमती, टी से तापी, ई से कुछ नहीं। तो जो ये चार नदियाँ हैं ये वेस्टर्न, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जाके सबमर्ज होती हैं, मतलब अरेबियन सी में या अरब की खाड़ी में जाती हैं। तो ये क्या बनाती हैं? एस्टुअरीज बनाती हैं। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अभी हमने पढ़ा, वो क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं। डेल्टास की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, सूटेबल होती है फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन जो एस्टुअरीज होती हैं ये बनती हैं वेस्टर्न एरियाज में। ठीक है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, इन सबके। इट इज़ नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है ये थोड़ा कम चौड़ा है ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में, राइट? अब देखिए जो ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको आप चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, नाम से ही लग रहा है गुजरात में होगा। कोंकण कोस्ट, नाम से लग रहा है गोवा में होगा। कन्नड़ कोस्ट आपको क्या लगता है कहाँ पर होगा? एंड मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे कौन सा कोस्ट लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक इनकी बाउंड्री है, वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे एस्टुअरीज के बारे में। जैसे हमने डेल्टास के बारे में पढ़ा था अच्छे से, वैसे हम एस्टुअरीज के बारे में पढ़ेंगे। एन एस्टुअरी इज एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर मीट्स द ओशन। ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी बट नॉट एज मच एज ओशन वाटर। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है एस्टुअरी क्या होती है। कोई फ्रेश वाटर रिवर है, ओनली जो फ्रेश वाटर रिवर है वो ओशन में जाके मिलती है। अब फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर में जाके मिलेगी, ओशन का पानी कैसा होता है? खारा होता है, सलाइन होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे थोड़े से एरिया में ब्रैकिश वाटर एरिया या ब्रैकिश वाटर बॉडी क्रिएट हो जाएगी, जो कि क्या होती है? सॉल्टी होती है, बट जो ओशन वाटर की तरह खारी नहीं होती। ओशन वाटर तो बहुत खारा होता है, उतनी खारी नहीं होती क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर भी होगा, ओशन का पानी भी होगा, तो वो
थोड़ा नॉर्मल सा सलाइन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एस्टुरीज के बारे में। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मुझे अभी ध्यान आया है, आप लोग पूछते रहते हैं तो अभी मैं बीच में ही बता देती हूँ। बेशक पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नोट्स, नेशनल मूवमेंट्स के नोट्स, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चाहें तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स ही हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह से काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पर कवर कर लिया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उस सबकी। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम पढ़ेंगे, देखिए कोस्ट के बारे में। हम वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे थे, ज़्यादा थ्योरी है नहीं, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, किसी चीज़ के लिए फेमस है, कौन से स्टेट में है, बस इतना इतना लिखा है, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा, तो बस आपको इसको रट लेना है। और इसके नोट्स तो आप बना ही लीजिए, कौन सा कोस्ट कहाँ पर पड़ता है उसके नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आगे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चार हमने इसके डिविजन्स किए थे। फर्स्ट है कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, राइट, नाम से पता लग रहा है गुजरात में है। अब हम पढ़ते हैं कि गुजरात में कहाँ से कहाँ तक चलता है, नॉर्थ टू साउथ क्या रहता है। तो ग्रेट रेन आता है नॉर्थ में, लिटिल रेन आता है साउथ में, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट नाम से लग रहा है गोवा में होगा। दमन इन द नॉर्थ एंड गोवा इन द साउथ, यानी ये दमन से चलेगा गोवा तक, ये क्वेश्चन आता है कोंकण कोस्ट। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, राइस होता है, कैश्यू होता है, ठीक है। फिर आता है कन्नड़ कोस्ट, जो कन्नड़ कोस्ट है ये नॉर्थ टू साउथ कैसे चलता है, मर्मगांव होता है इसके नॉर्थ में और मैंगलोर होता है साउथ में, मतलब दमन से लेकर गोवा मर्मगांव तक कोंकण कोस्ट है, मर्मगांव से मैंगलोर तक कन्नड़ कोस्ट है, ठीक है। रिच इन द आयरन डिपॉजिट्स, आयरन डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, राइट। फिर आता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कहाँ है, देखिए ये हमारा केरला में आता है, ये चलता है मैंगलोर है इसके नॉर्थ में, कन्याकुमारी है साउथ में, मतलब मैंगलोर मर्मगांव से मैंगलोर तक कौन सा कोस्ट था, कन्नड़ कोस्ट था। अब मैंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। बस एक तरह से ऊपर से एक नीचे तक के सारे कोस्ट चलते हैं, बाउंड्री से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कन्याकुमारी पर आकर हमारा मालाबार कोस्ट हो गया कंप्लीट। और इस तरह से हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन से कोस्ट आते थे वो पढ़ लिए। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, रीजनल नेम्स भी हैं इसके। कोंकण कोस्ट को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोस्ट बोल दिया, गोवा में गोवा कोस्ट बोल दिया, बट एक्चुअल में इसका नाम क्या है, कोंकण कोस्ट। मालाबार कोस्ट को केरला में केरला कोस्ट बोल दिया, कर्नाटका में कर्नाटका कोस्ट बोल दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में मालाबार कोस्ट बोल दिया, बट इसका एक्चुअल नाम क्या है, मालाबार कोस्ट। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से वाले पार्ट को कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस कहते हैं और कौन से वाले पार्ट को कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं। तो देखिए जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु में है, इसे कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। जो मालाबार कोस्ट है केरला में, इसे कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। लेकिन जो कोंकण कोस्ट है जो कि महाराष्ट्र और गोवा के पार्ट्स में पड़ता है, इसे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। सो कैसे ध्यान में रखना है, सिर्फ कोंकण वाला जो पार्ट है वही है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, बाकी सारे एमर्जेंस वाले हैं। अब देखिए आप मैप, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार दिखाया था और बताया था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है, साउदर्न इंडिया का, ठीक है, एक रफ सा मैप है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो महानदी से कृष्णा के बीच में क्या आता है, उत्तरी सरकार कोस्ट या नॉर्दर्न सरकार। कृष्णा से कावेरी के बीच में क्या आता है, ये एरो है ये, ठीक है, कावेरी मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, ये एरो लगाया है। सो कृष्णा और कावेरी के बीच में आता है कोरोमंडल कोस्ट, या जिसे हम पयान घाट भी कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस के नाम से भी फेमस है, ठीक है। और जो ये ईस्ट अपेक्स पॉइंट है साउथ में, ये है कन्याकुमारी। अगर हम यहाँ पे चलें, ये सारा हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट में कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, ये आ गया इधर गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। फिर दमन से गोवा तक या मर्मगांव तक कोंकण कोस्ट चला, मर्मगांव से मैंगलोर तक कन्नड़ कोस्ट चला, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका मालाबार कोस्ट चला, ठीक है। सो कोंकण कोस्ट को बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और मालाबार कोस्ट को बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस। कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सो कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ एमर्ज हो रही है, या तो ज़मीन ऊपर की तरफ जा रही है या फिर जो पानी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक जो लेवल है ना वो मेंटेन रह रहा है, ठीक है। और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है कि ज़मीन नीचे की तरफ जा रही है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, जिससे लैंड जो है वो सबमर्ज हो जा रही है पानी के नीचे। तो ये सबमर्जेंस वाला पार्ट कोंकण कोस्ट में है, बाकी जो दो बच गए वो एमर्जेंस पार्ट है, ठीक है।
तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। अगर आपने ये वाला एक जो डायग्राम है ये बना लिया तो आपकी सारी मुसीबत हल हो जाएगी कोस्टल प्लेन की। मैं आपको बताती हूँ कोस्टल प्लेन से क्वेश्चन यही आता है कि महानदी से कृष्णा के बीच का जो कोस्ट है वो किस नाम से फेमस है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट या उत्तरी सरकार, पता ही नहीं चलता है। महानदी कृष्णा का ही नहीं पता कहाँ पर बहती है, तो कैसे पता होगा कौन सा कोस्ट है। ठीक है, तो ट्रिक मैंने आपको बताई है नमस्ते वाली। फाइन, ये हो गया हमारा जो हम मैप के थ्रू पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं इनके फायदे क्या हैं, देखिए काफ़ी शॉर्ट में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के टर्म्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, फर्टाइल लैंड्स हैं, ठीक है, सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चर, राइट। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यानी जो ये वाला प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं, जो ट्रॉपिक्स के आसपास होते हैं वो सारी क्रॉप्स होंगी यहाँ पे। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये राइस के लिए फेमस है। कहाँ पे है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे चावलों के लिए फेमस है, ये राइस के लिए। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी राइस की। उसके बाद टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ऑब्वियसली जो पहाड़ के लोग होते हैं, पहाड़ी होते हैं, वो साउथ में ओशंस के पास जाना पसंद करते हैं। जो साउथ में रहते हैं, जिन्होंने समुद्र देखा है, पानी देखा है, बीचेस देखे हैं, वो पहाड़ों में आना पसंद करते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। सॉल्ट मेकिंग यहाँ पे होती है, नमक बनता है, क्योंकि जो ओशन का पानी होता है, ओशन वाटर होता है, वो सलाइन होता है, खारा होता है, तो उसमें से नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी ने इसके लिए मूवमेंट भी किया था काफ़ी, हम पढ़ते हैं। फिशिंग यहाँ पे होती है, फिशिंग सेंटर्स हैं, जब जहाँ पानी होगा वहाँ फिशेज भी होंगी होंगी, ठीक है। ये सेंटर्स ऑफ कमर्स हैं, व्यापार यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट था ये हो गया है कंप्लीट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का। हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब एक ही पार्ट बचता है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट से, बुक्स जो जो मेरे पास हैं उन सबसे कलेक्ट करके नोट्स बनाऊँ, ताकि आपको फिर कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। और बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बनवा दूँ। बेशक इसमें 5-6 महीने लग जाएंगे, बट नोट्स एक बार तैयार हो गए ना, फिर उसके बाद आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।